नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और न्यूज चक्र में आज दो मुद्दे हैं दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, क्या मोदी सरकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। मुद्दा नंबर दो, अहमदाबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच और मोहम्मद शमी जैसे ही भीड़ के पास आते हैं तो भीड़ जय श्री राम के नारे लगाती है, मानो उन्हें चिढ़ा रही हो। क्या यह जायज है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर शुरुआत दोस्तों हम करना चाहेंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साध रही है मोदी सरकार। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों। याद कीजिए 1990-91 का मंजर, जब लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर पर राम रथ यात्रा निकालते हैं। उस वक्त उनकी राम रथ यात्रा बिहार में आकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव और उन्होंने उनकी इस राम रथ यात्रा को रोक दिया था। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मैंने लालू प्रसाद यादव का बयान देखा था। वो भीड़ को संबोधित कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री में उनका बयान था और उसमें लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है आम लोगों की रक्षा करना, गरीब जनता की रक्षा करना। अगर जनता ही नहीं बचेगी तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। कितनी खूबसूरत बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने। इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? मैं लालू प्रसाद यादव की राजनीति की कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं दोस्तों, मगर उन्होंने जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दी थी ना, वो बहुत ही शानदार थी। और लालू प्रसाद यादव के उसी बयान से, उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज थी। यही वजह है कि अब लगातार चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई, उसके जरिए उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो, तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती हो, फिर भी उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं यह बतलाने के लिए कि मोदी सरकार के दोहरे मापदंड क्या हैं। आप खुद जानते हैं दोस्तों, अगर इन चेहरों पर आप गौर करें, येदियुरप्पा, हेमंत बिस्व शर्मा, सुवेंदु अधिकारी, इसके अलावा मुकुल रॉय, नारायण राणे, ये जो तमाम चेहरे हैं ना, ये अब या तो भारतीय जनता पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इन पर जितनी भी जांच चल रही थी वो सब जांच बंद हो गई है। और मैं आपको आज से कुछ सालों पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहता हूं। किसका? देश के गृहमंत्री अमित शाह का। उनसे कुछ पत्रकारों ने हिम्मत करके पूछा था कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ तो आपने बाकायदा एक दस्तावेज निकाला था उनके भ्रष्टाचार को लेकर जब वो कांग्रेस में शामिल थे, आज इस बारे में आपका क्या कहना है? अमित शाह उसका कैसे जवाब देते हैं आप खुद देखिए दोस्तों। चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। देखा आपने, अमित शाह इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे। उल्टा पत्रकारों से ये कह रहे थे कि भैया ये सवाल मत पूछो, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए अमित जी? आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है उसके तमाम दाग धुल जाते हैं? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास? ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि आपकी पार्टी में जो भी शामिल होता है उसके तमाम दाग धुल जाते हैं?
केसीआर की पार्टी जो है उन्होंने ये ट्वीट किया है दोस्तों, तमाम चेहरे बताए हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग पाउडर है कि जो भी उनमें शामिल होता है उनके तमाम दाग धुल जाते हैं, इसलिए जब अमित शाह से पूछा जाता है तो ये वाजिब सवाल है। अगर लालू प्रसाद यादव नतमस्तक हो जाते भाजपा के सामने तो उनके भी तमाम दाग धुल जाते, क्योंकि जो तमाम केसेस आज की तारीख में चाहे सीबीआई खोल रही है या ईडी खोल रही है, ये वो केसेस हैं जो पहले बंद हो चुके हैं, फिर भी नए सिरे से खोला जा रहा है। और अगर खोला जा रहा है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर गड़बड़ हुई है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं या उसकी जांच करनी है, मुद्दा यह है कि प्रक्रिया ही सजा है, यह जो प्रक्रिया लगातार चलेगी वही सजा है। और यह ना भूलें, विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के बारे में क्या कहा था, खुद सुनिए, यह 2014 से पहले उनका बयान है, सुनिए। यह सीबीआई का राजनीतिकरण, यह सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कहां गई उनकी ये बात, क्या सीबीआई दूध का धुला हो गया है, क्या यह बात हकीकत नहीं है कि सीबीआई के जरिए आप मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हैं, ईडी के जरिए सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हैं, कभी आप नवाब मलिक पर निशाना साधते हैं, देशमुख पर निशाना साधते हैं, और यह लगातार चल रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी यह भूल रही कि जब आप लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं ना, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरह ये वो दो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी हाथ नहीं मिला सकते, इसलिए वो झुकने नहीं वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दमन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी है, आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधु को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी, इनके समकक्ष मैंने कभी घुटने नहीं टेके हैं, और मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के सामने नतमस्तक नहीं होगा, झुकेगा नहीं। यही नहीं दोस्तों, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी ये बयान आपके स्क्रीन्स पर, रोहिणी आचार्य का ये बयान, वो कह रही हैं, तुम्हारा जितना जुल्म होगा राजद उतना मजबूत होगा, लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है, छोटे छोटे बच्चों गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी, सीबीआई ईडी तो बहाना है, इनका असली मकसद समाजवादियों को मिटाना है, सेप्टिक टैंक की खुदाई से गैस मिला चाय बनाने के लिए, मोदी साहब के लिए भर भर ट्रक लेकर गए हैं जमाई, निशाना ईडी पर है और रोहिणी आचार्य ने खुलकर हमला बोला है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ याद दिला रहे हैं जो आपके स्क्रीन्स पर है। वो कहते हैं, याद कीजिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां, अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपा अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का हिसाब तो दे देते। तेजस्वी यादव आगे क्या कहते हैं, भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी, सोच लो। दोस्तों यहां पर तेजस्वी यादव एक बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं।
आपको याद होगा कि अमूमन होता क्या है कि जैसे ही इनकम टैक्स या ईडी विपक्ष के नेताओं पर या मीडिया कंपनी पर रेड मारती है तो उसके बाद वो लोग अपनी पालतू मीडिया के जरिए खबरें प्लांट कराते हैं कि ये मिला वो मिला, इस तरह से बातें हुई वो बातें हुई, और बाद में जब ये मामला अदालत तक पहुंचता है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। मगर मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि प्रक्रिया ही सजा है। इस प्रक्रिया के जरिए आप विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं, लोगों में एक भ्रम पैदा करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो मिला है और जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब न्यूज लॉन्ड्री पर, डिजिटल संस्था न्यूज लॉन्ड्री पर रेड हुई थी, तब उन्होंने अदालत में केस किया था। और वो केस क्या किया था? वो केस ये किया था कि इनकम टैक्स पर रोक लगाई जाए कि वो अपनी तरफ से कोई भी खबर लीक करें। मुझे लगता है कि ऐसी रोक प्रवर्तन निदेशालय और ईडी पर भी होनी चाहिए। ईडी को अपनी तरफ से खबरें लीक नहीं करनी चाहिए अपनी पालतू मीडिया को, क्योंकि इससे होता क्या है दोस्तों, एक दुष्प्रचार होता है, एक भ्रम पैदा किया जाता है विपक्ष के बारे में, विपक्ष के नेताओं के बारे में, मीडिया संस्थानों के बारे में, और इसे सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अदालत को स्वतः ईडी और इनकम टैक्स पर किसी भी तरह की खबर प्लांट करने या लीक करने पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि लालू की इस उम्र पर भी रेड मारना, इस तरह से ईडी द्वारा खबरें प्लांट करना, यह प्रमाणित कर रहा है कि साम दाम दंड भेद से मोदी सरकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बदनाम करना चाहती है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, उनके साथ विपक्ष और जनता दल यूनाइटेड में उनके सहयोगी भी इस वक्त खड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए वो बतला रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा यह उम्मीद कर रही है कि एक साल का वक्त रह गया है लोकसभा चुनावों में, इसलिए किसी तरह से बिहार के अंदर जो गठजोड़ है उसे तोड़ दिया जाए। याद कीजिए तमिलनाडु और बिहार के बारे में क्या अफवाह फैलाई गई थी कि करीब एक दर्जन बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मौत के घाट उतार दिया गया था। खबर पूरी तरह से झूठी थी, पूरी तरह से झूठी, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। मगर उसका मकसद क्या था कि कहीं ना कहीं बिहार के गठजोड़ पर इसका असर हो, कहीं ना कहीं बिहारी अस्मिता पर एक झूठी राजनीति पैदा की जाए और एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरह से विपक्ष को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दरार पैदा की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की चतुर सोच, चतुर सियासत यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इस सियासत के जरिए वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। और दोस्तों आज का दूसरा मुद्दा है क्रिकेट, या ये कहा जाए क्रिकेट में धर्म का तड़का। याद कीजिए दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच होता है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रथ पर सवार होकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ वहां पर एक रोड शो शुरू कर देते हैं, यानी कि क्रिकेट का इस्तेमाल भी राजनीति के लिए किया जाता है। देखिए किस तरह से अमित शाह के बेटे जय शाह प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं, उन्हीं की अपनी तस्वीर, वो भी उसी स्टेडियम में जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये सब हो रहा है दोस्तों। और ये खबरें भी आती हैं कि उस दिन जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके समर्थकों ने भर भर के टिकट खरीदे और एक तरह से कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग जो स्टेडियम में थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। मगर फिर एक घटना होती है जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी जो हैं वो जा रहे थे बाकी क्रिकेटर्स के साथ और कुछ लोग ये नारे लगाते हैं, शमी जय श्री राम। जय श्री राम के नारे में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, राम को सबको याद करना चाहिए, जय सिया राम बोलना चाहिए,
क्योंकि राम के साथ सीता जुड़े तो और भी अच्छा है। मगर जब आप एक धार्मिक नारे का इस्तेमाल, जो हम सबके लिए पूज्य है, उसका इस्तेमाल करते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद शमी एक मुसलमान है, ये लोग उसे चिढ़ाएंगे? बताइए, क्या इससे राम का गौरव बढ़ रहा है जब आप उस नारे का इस्तेमाल किसी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं? जब उस दिन या उस क्रिकेट मैच में जहां प्रधानमंत्री रथ पर सवार होकर राजनीति कर रहे थे, उस क्रिकेट मैच में आप मोहम्मद शमी को चिढ़ा रहे थे, क्या इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक क्रिकेट स्टेडियम में इस तरह से राजनीति करते हैं और उसी क्रिकेट स्टेडियम में मोहम्मद शमी को इस तरह से चिढ़ाया जा रहा था? क्या यह बात आपको सामान्य लगती है? यह सवाल उठना चाहिए ना। बताइए, क्या यह बात आपको सामान्य लगती है कि एक क्रिकेटर जिसने भारत का सिर कई बार ऊंचा किया है, हमारी छाती को चौड़ा किया है कई बार अपने शानदार प्रदर्शन से, उसे आप जय श्री राम के नारे लगवाकर चिढ़ाना चाहेंगे? क्या यह जायज है? क्या यह सही है? दोस्तों, दो दिक्कतें यहां दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात, किस तरह से क्रिकेट का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। जय शाह आज की तारीख में बीसीसीआई के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नेशनल गेम्स का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया था, उसी तरह से आपने देखा किस तरह से क्रिकेट को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपनी ही तस्वीर ले रहे हैं और दुख की बात यह है कि फिर जब राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। विक्टिम कार्ड कि देखो मुझे दो दो तीन तीन किलो गालियां देते हैं, देखो मेरे कब्र खोदने की बात करते हैं। बात बात पर जब भी आप किसी तरह से किसी मुद्दे पर दबाव में हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपके सामने दोस्तों ये इनका एक पालतू पत्रकार है, विपक्ष पर निशाना साध रहा है। निशाने पर इनके मनीष सिसोदिया हैं कि मनीष सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड अगर इस देश में कोई राजनेता खेलता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, उन पर जो राजनीतिक बयान दिया गया है उसका जिक्र वो हर जगह कर रहे हैं दोस्तों, हर जगह कर रहे हैं। ऐसे में विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? कौन कहता है कि मुझे दो दो तीन तीन किलो गालियां पड़ती हैं? और प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर तो विपक्ष के नेताओं पर निशाना नहीं साधा जा रहा, पुराने पुराने अनर्गल केसेस में उन्हें नहीं फंसाया जा रहा, तब तो मैं समझ सकता था कि भाई आप पर हमला होता है। आपके बारे में जो भी कोई बयान देता है उस पर जब आपकी जवाबी कार्रवाई होती है ना, उसकी कोई हद नहीं होती है। याद कीजिए पवन खेरा किस तरह से विमान चढ़ रहे थे और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा यानी कि असम पुलिस पहुंच जाती है। हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस पहुंच जाती है। आप तो किसी को नहीं बख्शते हैं। जो पत्रकार या जो पत्रकारों से जुड़ी संस्थाएं आपसे सवाल करते हैं, आप उन पर ईडी की रेड मरवाते हैं, इनकम टैक्स की रेड मरवाते हैं, अपने गंदे वाहियात अश्लील प्रचार तंत्र से, उन दो दो रुपल्ली ट्रोल्स से उन पर और उनके परिवार पर हमले साधते हैं। ऐसे में क्या आपको विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। बहरहाल, जो दूसरा मुद्दा मैंने आपके सामने रखा था वो ये था कि किस तरह से मोहम्मद शमी को बेवजह हमारे पूज्य भगवान राम का इस्तेमाल करके उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने क्रिकेट का इस्तेमाल राजनीति के साथ किया उसके साथ इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।